हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। देर इज़ सम काइंड ऑफ अ पर्सनल रीज़न। डेफिनेटली मैं उसको टाइम मिले तो डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर करूँगा, बट उससे रिलेटेड अभी थोड़ा बात कम करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बहुत टाइम हो चुका है, मुझे पता है करीब करीब एक दो वीक हो चुके हैं उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। इलेक्शन के रिजल्ट भी सामने आए थे, सेंसेक्स करीब करीब 40,000 के भी पार जा चुका था, उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया। इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, ऐसा होता रहता है। तो चलिए अब लोग हम बात करते एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, और उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। आप सभी लोगों को पता है विप्रो ने बीच में बायबैक अनाउंस किया था, उसकी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट नज़दीक आती ही चली जा रही है। मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर आखिरी दिन कौन सा है, अगर हम लोग विप्रो के शेयर खरीदते हैं तो हम लोग बायबैक के लिए एलिजिबिलिटी। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बायबैक के पर्पज़ से ये शेयर खरीदना चाहते हैं, मतलब अभी शेयर में एंटर करेंगे और बायबैक का टेंडर जब ओपन हो जाएगा उनके लिए, उनको ईमेल आ जाएगा, वो अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, सर प्लीज़ हमें बताइए। और अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, सर क्या मेरे पास ऑलरेडी विप्रो का शेयर है, क्या मैं बायबैक के लिए जाऊँ, सर मेरे पास शेयर है ही नहीं, तो क्या इस लेवल पर खरीदना सही है या नहीं। तो इस सारी चीज़ों से, ये जितने भी आपके डाउट है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की इसी वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे विप्रो लिमिटेड, आप देख सकते हैं इसका प्राइस 291 है। ये बहुत टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है, और जैसे मैंने कहा था, आप मेरे जितने भी पुराने वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आईटी सेक्टर के प्लेलिस्ट में आपको विप्रो से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मिलेंगे उसमें आपको एक कॉमन बात मिलेगी कि ये शेयर बहुत ही धीमा चलता है, बट इसका जो ट्रेंड होता है फ्रेंड्स वो हमेशा अप ट्रेंड ही होता है। बहुत सारे लोगों को, मतलब करोड़पति बनाने वाले अगर शेयर्स की लिस्ट निकाले तो मुझे लगता है विप्रो ये सबसे रैंक वन होगा। फ्रेंड्स 12 से 13 बार इस कंपनी ने बोनस दिया है, इतनी गजब की कंपनी है, स्टॉक स्प्लिट भी किया हुआ है, कंटिन्यूसली डिविडेंड भी देती है। मतलब शेयर होल्डर जो लंबी अवधि के लिए शेयर रखना पसंद करते हैं उनके लिए विप्रो ये सबसे एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये देखिए ऑल टाइम इसका चार्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स विप्रो का चार्ट देखिए फ्रेंड्स, बहुत उतार चढ़ाव आपको नजर आएगा, बहुत मतलब ये देखिए कितना हाई लेवल पे, वापस ज़बरदस्त लो लेवल पे, उसके बाद वापस हाई अचीव करना, वापस लो। बट इसका जो मैंने कहा ना, अल्टीमेटली आप इसका चार्ट देखिए फ्रेंड्स, आपको ये अप ट्रेंड में जाएगा। मैंने हमेशा कहा है विप्रो बहुत ही स्लो और स्टेडी चलता है, इसको स्टॉक मार्केट में एक FD भी बोला जाता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं वो जो फिक्स डिपॉजिट की तरह भी बोला जाता है। FD मतलब क्या, आप सभी लोगों को पता है बैंक में अगर आप FD करते हो तो उसका अर्थ क्या होता है कि आपको जो इंटरेस्ट रहता है वो आपको श्योर शॉट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में आपको ऐसी कोई गारंटी नहीं होती फ्रेंड्स। आज एक शेयर अच्छा चल रहा है, न जाने आगे आने वाले फ्यूचर में अगर वो शायद से नीचे भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर भी कुछ शेयरों को FD करके बुलाया जाता है, मतलब दे आर अ सिक्योर्ड शेयर। सिक्योर्ड मतलब आपको वो पैसा श्योर शॉट बना के देंगे, रिस्क बहुत कम होती है। अगर आप सोते हो तो सुबह उठ के आपको टेंशन नहीं होगा, अरे ये शेयर नीचे जाएगा या नहीं। तो विप्रो उसमें से एक शेयर आता है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त स्ट्रांग, मतलब बोलते हैं ना फंडामेंटली कंपनी है ज़बरदस्त स्ट्रांग। आप देख सकते हो इसका चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों को पता है इसका बायबैक आया हुआ है, और ये बायबैक का प्राइस है 325 रुपीज़। मतलब मैं आपको अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट ही करके बताता हूँ, 325 पे आप बेचोगे, अभी उसका प्राइस चल रहा है 292 पकड़ लेते, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपको 33 रुपीज़ पर रुपये, मतलब बोलते हैं ना पर शेयर, आपको 33 रुपये का प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा। मतलब अगर आप अभी शेयर खरीदते हो बाद में अप्लाई करते थे, और अगर आपका मतलब लकी ड्रॉ, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं अगर, पर फिर भी आपको अगर वो शेयर मतलब बायबैक में एक्सेप्ट हो जाते तो आपको 33 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐसे ही, मतलब बोलते हैं ना खड़े खड़े हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप चाहो तो विप्रो का शेयर खरीद भी सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ, सर आखिरी दिन कब है, मतलब उस दिन पे अगर मैं शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को वो ईमेल आता है, आपको विप्रो के कंपनी से आपको ईमेल आएगा, सर आप बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। बट वो एक डेट होती है, उस डेट तक अगर आप वो शेयर खरीदते हो आपके डीमैट में अकाउंट में आ जाता है तो ही वो आपको ईमेल आएगा, उसके बाद अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको ऐसा कोई ईमेल नहीं आएगा। तो वो कौन सी डेट है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी देख लेते हैं। NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विप्रो शेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन सेक्टर होता है, वहाँ पे मैंने क्लिक भी कर लिया है। तो आपको यहाँ पे एक बक्सा नज़र आएगा, उसके नीचे हम लोग जाएंगे, ये देखिए कॉरपोरेट एक्शंस यहाँ पे वो दिख रहा है, और उसके नीचे आप देख सकते हो बायबैक, और बायबैक के ठीक सामने आपको एक डेट नज़र आ रही है, वो डेट है 20 जून, वो डेट है एक्स डेट। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, देखिए रिकॉर्ड डेट होती है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। कंपनी अपना बुक ओपन करेगी और उस दिन जब मतलब देखेगी कि किसके नाम, मतलब बोलते हैं ना शेयर्स, किन किन के नाम शेयर होल्डर है, उन लोगों को ही वो सिर्फ मेल भेजेगी, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। बट हमारे लिए रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है एक्स डेट। इसलिए आप देख सकते हो एनएससी ने एक्स डेट दिखाई है, ना कि रिकॉर्ड डेट। तो एक्स डेट मतलब क्या, उस दिन से एक दिन पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको वो मेल आ जाएगा विप्रो से कि आप बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। मतलब यहाँ पे डेट कितना दिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिखा है 20th जून, मतलब आपके लिए आखिरी दिन है फ्रेंड्स 19 जून। याद रखना फ्रेंड्स, 19 जून ये आखिरी दिन है फ्रेंड्स। अगर आप 20 जून को भी शेयर खरीद लेते हो आपको ईमेल नहीं आएगा, बायबैक के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 19 जून तक आखिरी में भी, मतलब 19 जून के 3:30 बजने से पहले भी अगर आप शेयर खरीद लेते हो फ्रेंड्स, आपको बायबैक के लिए मतलब ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है या नहीं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर रहेगा। बट याद रखना, वापस मैं डेट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 19 जून, 20 जून नहीं फ्रेंड्स। 20 जून मतलब एक्स डेट होता है, एक्स डेट को काउंट किया नहीं जाता है। 19 जून को अगर आप खरीदोगे तो आपको वो मेल आ जाएगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये डेट बताने के लिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेट कौन सी है। आखिरी डेट वापस बोलता हूँ, 19 जून ये आखिरी डेट है। तो अभी बहुत सारे जो रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर मेरे पास ऑलरेडी विप्रो का शेयर है, क्या मैं बायबैक के लिए अप्लाई करूँ या ना करूँ? तो फ्रेंड्स, वापस मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर मैं आपके जगह पे होता, मतलब जो मेरे पास भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ विप्रो के शेयर मेरे पास भी पोर्टफोलियो में है, आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं बायबैक के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, डेफिनेटली नहीं। क्योंकि मुझे पता है विप्रो एक सोना है, डेफिनेटली इसको टाइम लगता है, ये धीमा चलेगा, बट ये आपको गारंटी पैसा बना के देगा। जैसे मैंने आपको जस्ट बोला था, ये FDA स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ता है फ्रेंड्स, तो ही आपको वो पैसा बना के देगा। तो विप्रो इट्स सेम लाइक ऑफ अ शेयर, मतलब अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो डेफिनेटली आपको पैसा बना के देगा, डेफिनेटली। मतलब ये नीचे जा सकता है डेफिनेटली, कौन सा शेयर नीचे नहीं जाता आप मुझे बताओ? एक शेयर मुझे आप ऐसे बताओ कि जो कभी नीचे नहीं गया, सारे शेयर नीचे जाते। बट ये इतना फंडामेंटल स्ट्रांग है कि वापस ये बाउंस बैक करेगा। और आपने देखा है कि हिस्ट्री देखिए इसकी, 13 बार बोनस, 13 टाइम बोनस, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक शेयर भी तो कितना हजार गुना हो जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा भी था कि विप्रो से रिलेटेड कितने केस स्टडीज़ है, ये वीडियो ख़त्म हो जाने के आप अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी करोगे विप्रो से रिलेटेड केस स्टडी, फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ लोगों के पास 100-100 करोड़ रुपया विप्रो ने कमा के दिए। बहुत सारे लोगों को ये बातें झूठ लगती है, बट अगर आपको सचमुच में देखना है तो आप जाके देख सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बहुत सारे लोगों ने बना के रखे, मैंने भी एक बार इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया था। तो अल्टीमेटली मैं बोलना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही गजब का शेयर है, बहुत ही गजब का शेयर है। तो जिनके पास ऑलरेडी है तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो क्यों बेच रहे हो? 33 रुपीज़ मतलब वो एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा डेफिनेटली, और भी कैपिटल गेन आपका हो सकता है, बट सिर्फ उसके लिए आप सोना बेच रहे हो, मत बेचना फ्रेंड्स। जितना आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे ये आपको और रिटर्न कमा के देगा, शायद से आने वाले साल में वापस ये और एक बोनस डिक्लेयर कर दिया। आप सभी लोगों को पता है कितना आपका शेयर क्वांटिटी बढ़ते ही चला जाता है बोनस की वजह से। तो अल्टीमेटली जिनके पास जो शेयर है पोर्टफोलियो में, ये मेरी तरह से सलाह है आपको फ्रेंड्स, इसको होल्ड करना, ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसको बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। अभी सेकेंड सवाल, सर क्या हम लोग इसको खरीद के क्विक प्रॉफिट कमा सकते हैं 33 रुपीज़? बहुत सारे ऐसे लोग करते भी है, डेफिनेटली आप चाहो तो ऐसा कर भी सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा था कि विप्रो में ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, तो फिर आपका वो बायबैक में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और फिर भी अगर सपोज एक बार नहीं भी हुआ एक्सेप्ट, तो क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स? इतना गजब का शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो इससे कोई आपका पोर्टफोलियो ख़राब होने वाला नहीं है। ये डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे तो आपको पैसा श्योर शॉट बना के देगा, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन, सर क्या अभी इसी लेवल में खरीदने की कोई मतलब अपॉर्चुनिटी है? फ्रेंड्स मैंने हमेशा कहा है विप्रो ये ऐसा शेयर है, आप इसको कभी भी खरीद सकते हो। डेफिनेटली सर ये नीचे आया तो, नीचे आया तो और ख़रीदना चाहिए, मैंने हमेशा कहा है जितना अच्छे शेयर है आपको कौन से भी लेवल पे खरीदो, कौन से भी लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक ना एक बार अपना लेवल तोड़ते ही चला जाता है। आपको क्या लगता है, मतलब आप यहाँ पे ये लेवल पे खरीद लेते हो,
खरीद लोगे 290, उसके बाद आपको क्या लगता है शेयर पूरा नीचे ही चला जाएगा 250, 240, उसके बाद वो 290 कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, एक ऐसी कंपनी जिसने 13 बार बोनस दिए। तो ये ऐसी नेगेटिव सोच बहुत ही गंदी होती है फ्रेंड्स, बहुत ही गलत होती है। बेशक उसको टाइम लग सकता है, जैसे मैंने कहा था ये शेयर बहुत ही टाइम लेता है, बट आपको वो पैसा बना के देगा। आप अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो, गिरावट डेफिनेटली है बट इसका अल्टीमेट चार्ट पैटर्न ये अप ट्रेंड में है फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत ही गजब का शेयर है फ्रेंड्स। प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंटिन्यूसली डिविडेंड भी देती है, बोनस देती है, अभी आप देख सकते हो बायबैक भी लेके आई है, तो बहुत ही गजब की कंपनी है फ्रेंड्स। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन में यही देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जिनके पास भी ये शेयर है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड करने की कोशिश करो अनटिल एंड अनलेस यू रिक्वायर्ड अ मनी। अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है तो डेफिनेटली तो आप उसी लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप निकाल सकते हो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट मेरे तरफ से आपके लिए यही राय रहेगी कि विप्रो जैसा सोने का शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आपको गजब का प्रॉफिट होगा। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके पर भी क्लिक करना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।